पाकिस्तान कर्ज में पूरी तरह से डूब चुका है। पाकिस्तान की हालत बहुत ही खस्ता हाल है। पाकिस्तान को उसके सबसे करीबी मित्र चीन और सऊदी अरब ने आर्थिक मदद जरूर दी, पर वो भी पाकिस्तान के हालात बदलने में नाकाफी साबित हुए। अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक आर्थिक पैकेज की आस है, जिसके लिए पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान में इन दिनों दूध से लेकर पेट्रोल डीजल हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर पाकिस्तान के आर्थिक हालात की बात करें तो पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 27.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान की महंगाई दर पिछले 5 साल के उच्चतम स्तर पर है। बीते मार्च माह में पाकिस्तान की महंगाई दर 9.4% पर पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई, गिरता रुपया और तेजी से बढ़ती कच्ची तेल की कीमतों ने पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक को ब्याज दर बढ़ाने पर विवश कर दिया, जो कि अब 10.75% पर है। पिछले महीने IMF ने एक अनुमान जारी किया था, जिसके अनुसार साल 2018-19 में पाकिस्तान का आर्थिक घाटा GDP का 7.9% तक होगा और साल 2019-20 में ये बढ़कर 8.7% तक हो सकता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान का कर्ज GDP के अनुपात में 72.2% तक पहुंच गया है और 2019-20 में ये बढ़कर 75.3% पर पहुंच जाएगा। इमरान खान की सरकार बेहद ही नाजुक आर्थिक हालात से गुजर रही है। ऊपर से पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर ने हालात से निपटने में नाकाम रहने पर अपना इस्तीफा दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से पैकेज मिलने में हो रही देरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी S&P ने वैश्विक रेटिंग में क्रेडिट स्कोर भी घटा दिया है। पाकिस्तान की करेंसी का मूल्य भी दिसंबर 2017 के बाद से 35% गिर चुका है। पाकिस्तान की जनता ने क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान को 2018 में देश की कमान इस उम्मीद से सौंपी थी कि वो पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य को एक नई राह दिखाएंगे और इमरान खान ने चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा भी था वो पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को हर हाल में सुधारेंगे। इसके शुरुआत इमरान खान ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आवास में आलीशान गाड़ियों की नीलामी से करवाई। इस खबर ने पूरे विश्व में एक नई चर्चा छेड़ दी और उसके बाद हुई जानवरों की नीलामी ने तो पूरे विश्व को हंसने का मौका दे दिया, पर इन दोनों नीलामियों ने पाकिस्तान की आर्थिक हालात से पूरे विश्व को अवगत करा दिया। एक साल के अंदर हुए तमाम घटनाक्रमों ने, खास तौर पर एयर स्ट्राइक ने और भारत की पाकिस्तान को अलग थलग करने की विदेश नीति ने उसकी हालत और खराब कर दी है। पाकिस्तान में भुखमरी के हालात भी अब पैदा होने लगे हैं और आंकड़ों के अनुसार हर 10 में से 4 पाकिस्तानी को भर पेट खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा। अब देखना होगा कि पाकिस्तान अपने इस आर्थिक हालात को कैसे बदलता है और कैसे अपनी आवाम को महंगाई से निजात दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।